भारतीय जनता पार्टी ने ये तो कह दिया कि जेडीयू के विधायक सांसद हमारे संपर्क में हैं, ये नहीं बताया कितने विधायक सांसद संपर्क में हैं। जो लोग रीजनल और सीजनल लीडर हैं वो अपना चुनाव के पीरियड में अपना दुकान सजाते हैं, लगाते हैं, बढ़ाते हैं, कस्टमर को बुलाते हैं। हम तो सब दिन काम करने वाले लोग हैं। अब तो राहुल गांधी ही पीएम पद के चेहरा होंगे, तो कह दिया कांग्रेस ने। अभी देखिए क्या क्या होता है, मन में कुछ है, बाहर कुछ है, मन में राम बगल में छुरी, और जब मिले मौका तो फिर देखिए क्या कमाल करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार का जो मौसम है वो बेहद सर्द है, लेकिन इस सर्द मौसम में भी सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि जेडीयू के कई विधायक और सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं। दूसरे कई राजनीतिक सवाल हैं, उस पर बात होगी। हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और नेता विरोधी दल विजय सिन्हा हैं। आपकी पार्टी ने दावा किया है, मेरा ख्याल है आपने शायद कहा है कि जेडीयू के कई सांसद और विधायक संपर्क में हैं बीजेपी के। ये विषय तो पुरानी हो गई जी, ये विषय पर चर्चा हो चुकी है। नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार आप हमलावर रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा को ले हुए हैं, और आपका एक बयान बड़ा चर्चा है जिस पर जेडीयू को बड़ी आपत्ति है। आपने कह दिया कि नीतीश कुमार ने बिहार को खत्म कर दिया, नीतीश कुमार ने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया, तमाम तरह की बातें आपने कही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए जनादेश मिला था, लेकिन कुशासन की गोद में बैठकर अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार का जो बीमारी महामारी में बदल रहा है, तो इसकी जिम्मेवारी तो उनको लेनी पड़ेगी। किस तरह से खुल कर करके लॉ एंड ऑर्डर फेल है, वो कहते थे कानून का राज स्थापित करेंगे, कानून का राज कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, पुलिस को रगेद रहा है, दरोगा को पीट रहा है, हत्या होती है उसको एक्सीडेंट का रूप दे रहा है, बलात्कार होता है उसको खाना पूर्ति कर रहा है, भ्रष्ट पदाधिकारी को जिले के अंदर आप पोस्टिंग कर रहे हैं, अच्छे पदाधिकारी को साइड कर रहे हैं। संकीर्णता और घृणित मानसिकता, छोटे हृदय से अच्छे लोगों को दरकिनार करेंगे तो उसका तो खामियाजा भोगना पड़ेगा, और यही बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। और मुख्यमंत्री जी वो सब खेल में फंसे हैं, क्या व्यवस्था है या इनकी मानसिकता ही उस तरह की बन गई है, अब तो जनता तय करेगी। आपने पिछले दिनों ये कहा, आपका एक बयान था, दो तीन दिन पहले का ये बयान है शायद, आपने कहा कि हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज तो नीतीश कुमार ने खरीद लिया, सवारी नहीं कर पाएंगे, नीतीश कुमार को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है प्रधानमंत्री। क्यों आपको ये भरोसा है, क्यों बीजेपी को ये भरोसा है कि नीतीश कुमार उस हवाई जहाज की सवारी नहीं कर पाएंगे, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। अभी ये तो उनके गठबंधन के लोग से ही पूछिएगा कि कैसे पूरा नहीं करेंगे, बता देंगे। उनके प्रदेश अध्यक्ष जी भी कह चुके हैं, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी का, कई लोगों का बयान आ रहा है, वह सब लक्षण जो प्रकट हो रहा है वो लक्षण तो कहीं ना कहीं संकेत उसी ओर कर रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो गदगद है, महागठबंधन में बहुत कुछ चल रहा है, आरजेडी के विधायक है, ठीक है, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया सुधाकर सिंह ने, लेकिन विधायक तो आरजेडी के हैं, नेता आरजेडी के हैं, और वो कह रहे हैं नीतीश कुमार का राज राक्षस राज था, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार शिखंडी हैं, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने नहीं दे, ये सब जो चल रहा है। और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे मोर्चा खोल दिया तेजस्वी यादव के खिलाफ, कहा ये ठीक नहीं है, ये जो कल से चीजें चल रही हैं उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब जो दो ठग मिलते हैं, एक दूसरे को ठगने में लगते हैं, और स्वार्थ जब टकराता है तो ये तमाम नकारात्मक पहलू झलक के आता है। आज वही हो रहा है बिहार में, दो ठग महागठबंधन बनाए, लेकिन ये महाठगबंधन है, एक दूसरे को ठगने के लिए बनाया गया, सत्ता हथियाने के लिए बनाया गया, और सत्ता हथियाने में जब असफल होता है तो रिएक्शन प्रतिक्रिया निकलती है, वही रिएक्शन प्रतिक्रिया आज बिहार की जनता को परेशान कर रहा है। वैसे तो आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, लेकिन आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है, कार्रवाई कर पाएंगे तेजस्वी यादव सुधाकर सिंह के खिलाफ?
आप क्या कार्रवाई करेंगे? राजद के लोग जिस तरह से बालू साइड पर कोयलबर में हजारों राउंड गोली चला, क्या हुआ? एक शादी समारोह में लोगों ने देखा कि किस तरह से जंगल राज का प्रदर्शन हुआ, गोलियों की बौछार हुई, अपराधियों का इस तरह का खेल हो रहा है। तो एक सुधाकर सिंह मंत्री बोल दिया, ये कौन बड़ी बात है? यहां तो गोलियों से बात हो रही है, बड़ी गोली की बात पर आप कहां जा रहे हैं? बड़ी चर्चा चल रही है पिछले कई दिनों से। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन चर्चा यह भी चल रही है कि आरसीपी सिंह, उपेंद्र कुशवाहा सब बीजेपी खेमे में आ सकते हैं, ऐसी कोशिशें हो रही हैं। ये सब पर्दे के पीछे खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का संकल्प लेकर बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का। अब इस विचारधारा में जो लोग सम्मिलित होना चाहेंगे, वैसे लोगों का हमारा नेतृत्व विचार करेगा। कोई व्यक्ति का और किसी के व्यक्तिगत भावना का ऊपर में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करेगा कि कौन व्यक्ति सम्मिलित हो न हो, इस विचारधारा को लंबे पीरियड तक कौन चल सकते हैं अपने स्वार्थ को छोड़कर। तो ये तो भविष्य की राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी ने ये तो कह दिया कि जेडीयू के विधायक सांसद हमारे संपर्क में हैं, ये नहीं बताया कितने विधायक सांसद संपर्क में हैं। जो कहे हैं उनसे एक बार संपर्क कर लीजिए ना, अभी तो पार्टी के बड़े नेता हैं। नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि बहुत सारी बात होती है, लेकिन नेतृत्व का निर्णय के बाद ही कोई बात धरातल पर उतरेगी और वो बात पर आगे बढ़ेगी। एक आखिरी सवाल है सर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, और खबर यह भी है कि बिहार में जो कई ऐसी सीटें हैं, जो सीटें जिन पर बीजेपी कमजोर है, उस पर बीजेपी खास तैयारी कर रही है। तो एक तरह से मिशन 2024 में अभी से बीजेपी लग गई है। मुकाबला महागठबंधन से है, नीतीश कुमार और लालू यादव से है, और तिलिस्म तोड़ पाएंगे लालू नीतीश की दोस्ती का 2024 में? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से जेपी नड्डा जी का आगमन के लिए सभी स्वागत के लिए तैयार बैठा है, और वो पहली बार नहीं आ रहे हैं, हमेशा आते रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए उनका दौरा हर स्टेट में होता है, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पीरियड में सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने और बढ़ाने के लिए काम नहीं करती है, ये सतत पांचों वर्ष संगठन को मजबूत करने के लिए, समाज में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का महामंत्र घर घर तक पहुंचाने के लिए ये काम करते रहती है। इसलिए इससे कि हमारे कौन लीडर आए, जो लोग रीजनल और सीजनल लीडर हैं वो अपना चुनाव के पीरियड में अपना दुकान सजाते हैं, लगाते हैं, बढ़ाते हैं, कस्टमर को बुलाते हैं। हम तो सब दिन काम करने वाले लोग हैं। अब तो राहुल गांधी ही पीएम पद के चेहरा होंगे, तो कह दिया कांग्रेस ने। अभी देखिए क्या क्या होता है, मन में कुछ है, बाहर कुछ है, मन में राम बगल में छुरी, और जब मिले मौका तो फिर देखिए क्या कमाल करते हैं। लोग इसी आशा उम्मीद में हैं कि कहें हमको पूर्व प्रधानमंत्री गुजराल साहब और देवगौड़ा साहब के ऐसा अवसर मिल जाए, लगे रहो, मौका मिले तो साइड कर करके भी हम आगे आ जाएं। तो मन में अगर जो ये भाव लेके चलेंगे, जिसका भाव और उद्देश्य ही नियत ही में ही खोट रहेगा, तो कहां से नीति सफल होगा, कहां से मिशन सफल होगा? इसलिए नीति और मिशन सफल करना है तो नियत साफ करना होगा। हम साथ हैं तो खुलकर साथ हैं, राम तो एक ही बनेंगे ना, हनुमान और हनुमान के तरह बाकी सब लोग युद्ध में कमाल दिखा सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक भगवान राम के पथ पर वरने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक आदर्श के रूप में देश को दुनिया के अंदर स्थापित कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष में कोई है क्या उस कद में? विपक्ष में कोई है जी जो इस तरह के वातावरण बनाए, जनता के विश्वास पर खरा उतरे, जो भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का संकल्प ले सके, आतंकवाद, अपराध, उग्रवाद पर
ईमानदारी के साथ अंकुश लगा सके, दबिश बढ़ा सके, है ये ताकत, है ये हिम्मत। इसके लिए हिम्मत चाहिए, निस्वार्थ अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा करके राष्ट्र प्रथम का भाव मन में आएगा तभी सफल होगा। देखिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और मौजूदा वक्त में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा थे। बिहार की राजनीति से जुड़े कई सवाल हैं और बिहार की राजनीति के घटनाक्रम जिस तरह से बदल रहे हैं, नए नए सवाल पनप भी रहे हैं, उन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश हम कर रहे थे। इस इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।